रियल एग्जाम रीडिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे एंड स्पेशली मैथ्स द हेडिंग्स की किस तरह से उनको इम्प्रूव करना है और प्रॉपर मेथडोलॉजी आपकी क्या होनी चाहिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, बट आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि विदाउट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बात नहीं बनने वाली। 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस इज रियल एग्जाम रीडिंग, तो आपको पता है कि काफी क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलें, इसमें पूरी रीडिंग को सॉल्व करें मेरे साथ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको कंफर्टेबली नहीं सुन रहे हो। ओके, कंफर्टेबली का मतलब है कि ऐसे बैठ कर नहीं सुन रहे हो, यू आर फुली कंसंट्रेटेड बिकॉज आपकी लाइफ का सवाल है यहाँ पर, और मैं चाहता हूं कि इस तरीके से इसको सॉल्व करें कि आप समझ पाएं कि एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको। ओके, तो जो मेन मोटिव रहेगा रीडिंग को आसान बनाना है, डेफिनेटली मोटिव है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एग्जैक्टली ये बताना कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अगर हम कर रहे हैं तो थिंकिंग क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्या इसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो होना चाहिए, ताकि आपको समझ आए कि आप फोकस किस चीज के ऊपर करो। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, जो नेक्स्ट सेशन है वो 15 जून की ऑनलाइन क्लासेस का सेशन चलने वाला है 15 जून, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बाकी सारी डिटेल्स बता दूंगा, तो वहां से शुरू होने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो होपफुली यू पीपल हैव सम टाइम, आपके पास थोड़ा टाइम है ताकि आप इसको समझे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को, और मैं चाहता हूं कि उससे पहले कि मैं समझाऊं आपको, आप सॉल्व खुद करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पैराग्राफ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, तो आपने समझना है। और मैं एक चीज और इंपॉर्टेंटली चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको यहां पर पॉज करें और इसको पढ़ें और उसका मीनिंग निकालें कि आपने क्या मीनिंग निकाला है, और बाद में मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। और जब आप दोनों को डिफरेंस देखोगे, थिंकिंग डिफरेंस, काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर जरिया ये है कि आप क्या सोच रहे हो और आंसर किस सोच से आ रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको खत्म करने को हम अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना कहते हैं। सो व्हाट यू आर थिंकिंग, ओके, सो आपकी थिंकिंग और आंसर की थिंकिंग, उसके बीच के डिफरेंस को खत्म करने को, इलिमिनेटिंग दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इंप्रूविंग योर अंडरस्टैंडिंग। सो होपफुली आपको समझ आ रहा है, दैट्स व्हाई डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपको अपनी सोच और जो क्वेश्चन की सोच का डिफरेंस होना चाहिए। सो अज्यूमिंग कि आपने इसको अभी पॉज कर लिया और इसकी पंजाबी और हिंदी आपने कन्वर्ट कर ली है, तो प्लीज इसको पॉज करें, अपने अकॉर्डिंग इसको समझें, ताकि मैं आपको बाद में बहुत ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, बहुत ही डिटेल्ड। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर वेरी वेल। ओके, होपफुली आपने इसको पॉज करके समझ लिया था। देखिए मैच द हेडिंग, पहले मैं इस पैसेज को पढ़ता हूँ, फिर हम मैच द हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से आपने करना है। तो एक बार देखिए कि क्या आपने भी यही पर्पस निकाला था, क्या आपने भी यही मीनिंग निकाला था। अगेन यू कैन पॉज दिस वीडियो फॉर 10 सेकंड 20 सेकंड जस्ट टू अंडरस्टैंड, ताकि आप इसको समझ सको। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस, और देखते हैं कि आपकी सोच और मेरी सोच में कितना डिफरेंस है। पूरी वीडियो देख लेना आपके लिए, एंड इट विल हेल्प यू लॉट। बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीजें आपको एग्जैक्टली जो चाहिए वो मिलेगा। देखिए, दे आर नॉट इनफ क्लासरूम्स एट मस्किनी प्राइमरी स्कूल। सो जो यहाँ पर ये वाला स्कूल है, इन दिस केस हमारे पास इनफ क्लासरूम्स नहीं है। हाफ द लेसन टेक प्लेस इन द शेड ऑफ येलो ब्लॉसम एकेशिया ट्रीज। सो कहते हैं ज्यादातर जो लेसन है, इतने क्लासरूम्स नहीं है, वो ये वाला जो ट्री है, ये वाला ट्रीज के नीचे बैठकर बच्चे क्लासेस लेते हैं। गिवन दिस शॉर्टेज, कहते हैं कि इतनी शॉर्टेज के बावजूद भी, मेरे एक्सप्रेशन को समझिए, इट माइट सीम ऑड, ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, दैट वन ऑफ द स्कूल्स पर्पस बिल्ट क्लासरूम्स, कहते हैं कि जो स्कूल के क्लासरूम जिस पर्पस के लिए बनाए गए थे, पर्पस बिल्ट का मतलब होता है जिस पर्पस के लिए बनाए गए थे, हैज बीन एम्प्टीड, उनको खाली कर दिया गया है। हैज बीन एम्प्टीड मतलब जिस चीज को एम्प्टी का मतलब खाली करना, कर दिया गया है। और पीपल्स, उसी जो क्लासरूम्स स्कूल के पर्पस के लिए बनाए गए थे, बच्चों के लिए बनाए गए थे, उन्हीं को खाली कर दिया है। एंड टर्न इनटू अ स्टोर रूम फॉर सैक्स ऑफ ग्रेन। तो कहते हैं कि वहां पर ग्रेन्स वगैरह रखने के लिए सारी जगह बना दिया। इट मेक सेंस, फूड मैटर्स मोर देन शेल्टर। तो इन्होंने लिखा हुआ, देखिए वैसे तो जब भी हम मैच द हेडिंग्स करते हैं, इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द वेरी फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन। हमारी फर्स्ट और लास्ट लाइन में से आंसर निकल कर आ जाता है। और व्हाट हैपेंस इज, जब हमारे पास पैसेज ही बहुत छोटे छोटे हों, अगर इसमें आप देखें सिर्फ इतनी लाइन से आप नहीं आंसर लगा सकते, यू नीड टू हैव सम लाइंस। तो मेरी आपको ये रिकमेंडेशन रहती है कि अगर पैसेज छोटा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्मॉल पैसेज एंड इवन दिस इज अ स्मॉल पैसेज, तो आप पूरा पैसेज पढ़ें। और अगर पैसेज बड़ा होता जाए, दिस इज अगेन स्मॉल पैसेज है, यहाँ पर जैसे पैसेज काफी बड़ा हो गया, ओके, इन दिस केस आप फोकस कर सकते हो फर्स्ट लाइन के ऊपर, लास्ट लाइन के ऊपर, यू कैन डेफिनेटली फोकस ऑन दिस।
बट ज्यादातर केसेस में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ मैच द हेडिंग्स नहीं कर रहे हो, आप इन क्वेश्चंस को भी पूरा सॉल्व आउट कर रहे हो. ओके, दे अदर क्वेश्चंस ध्यान रखना, दे रियल एग्जाम रीडिंग है, क्योंकि मैं हमेशा रियल एग्जाम रीडिंग्स ही करवाता हूँ, जो एग्जाम में आते हैं फालतू की रीडिंग्स नहीं करवाई जाती. इन क्वेश्चंस को भी आपने करना है. सो इट इज मोर एडवाइसेबल कि पहले आप पूरा पैसेज पढ़ें ताकि आप दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, और जब आप इसको पढ़ चुके हो तो आप फर्स्ट और लास्ट लाइन के ऊपर फोकस करें. तो देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया, होपफुली आपने भी यही मीनिंग निकाला था. मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, इट्स ओके, स्लो करें. जब जिंदगी बदलने की क्लास लग रही हो ना, तब अगर हम कोई चीज स्लो भी करते जाएं, दैट्स परफेक्टली फाइन. इन्हें क्या कि इतने क्लासरूम नहीं है, सारे जो उनकी क्लासेस वगैरह हैं वो तो ट्रीज के नीचे लगती हैं, जो हाफ द लेसन है. कहते कि इतनी कम क्लासेस हैं, पहले तो क्लासेस ही कम है, फिर उन्होंने उन्हीं क्लासेस में जो है ग्रेन्स वगैरह रख दिए हैं. कि इट माइट सीम ऑड, ये चीज काफी ऑड है. हम क्वेश्चंस क्या करेंगे, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स क्या है. जब आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना व्हाट एग्जैक्टली दे आर मेंशनिंग, तो बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान. लेट्स से व्हाई बेटर फूड हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग, लर्निंग की कोई बात की है नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बच्चों के जो क्लासेस थी वो भी छीन ली गई है. हेडमास्टर बनने की कोई बात की गई हो नहीं. सरप्राइजिंग यूज ऑफ स्कूल प्रेमिसेस, सरप्राइजिंग. ओके, सो इट माइट सीम लाइक कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है कि इट माइट सीम ऑड दैट वन ऑफ द स्कूल्स पर्पस बिल्ट क्लासरूम्स. कहते हैं ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है. सरप्राइजिंग डज नॉट मीन कि कुछ पॉजिटिव हो, कोई चीज नेगेटिव हो, दैट इज ऑल्सो सरप्राइजिंग. चलिए कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम फोकस रहते हैं. ग्लोबल परस्पेक्टिव कुछ नहीं लिखा है. बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया गया, वहां पर तो क्लासेस रूम में बढ़ बढ़ कर पड़े हुए हैं. सरप्राइजिंग एकेडमिक आउटकम, बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए जब बुरे रिजल्ट आए, क्योंकि सरप्राइजिंग लिखा अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है. नहीं हुई ना इस तरह की कोई बात, गर्ल्स की कोई बात नहीं हुई. देखिए कितने आसान होते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, दे बिकम रियली इजी जब हम एक बार पैसेज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. हाउ फूड प्रोग्राम इज ऑपरेटेड, फूड प्रोग्राम को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है. नहीं, बच्चों की अटेंडेंस की कोई बात नहीं हुई है. नन ऑफ द यूजुअल रीजंस, कोई भी कारण नहीं है, कारण वगैरह की कोई बात नहीं है. हाउ टू मेंटेन एकेडमिक स्टैंडर्ड, नहीं इन्होंने स्टैंडर्ड तो कोई मेंटेन किया ही नहीं है. तो हमारे पास जो क्वेश्चन किया गया, सरप्राइजिंग यूज ऑफ स्कूल प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब होता है जगह. कहते हैं कि जो स्कूल की जगह है उसको यूज किया जा रहा है, स्कूल की जगह. देखिए दोबारा देखते हैं इसको. इट माइट सीम ऑड दैट वन ऑफ द स्कूल्स पर्पस बिल्ड क्लासरूम. कहते हैं जो स्कूल की जगह, जो प्रेमिसेस थे बच्चों के पढ़ने के लिए बनाए गए थे, उसी को खाली कर दिया गया है और उसकी बजाय वहां पर स्टोर रूम बना दिया गया. ओके, सो पहला क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया, दैट्स ओके, क्योंकि तब तक आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो इसको इंप्रूव कैसे करना है. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को भी मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें और इसकी जो मीनिंग निकालें. ओके, ट्राई टू फाइंड द मीनिंग और फिर उसके बाद मैच करें. तो अब मैं कह रहा हूं कि इसको पाउज कर लें, इसको रोक लें, जो पाउज का सिंबल होता है, जस्ट पाउज इट एंड ट्राई टू फाइंड द मीनिंग. होपफुली आपने पाउज कर लिया था और मीनिंग निकाल लिया है, और अभी मैं आपको दोबारा समझाता हूं. स्केन इज वन ऑफ द पुअर पार्ट्स ऑफ मलवई. ये कहते हैं कि वहां के जो पुअर पार्ट्स में से एक है, अ लैंडलॉक्ड साउथर्न अफ्रीकन कंट्री ऑफ एक्सेप्शनल ब्यूटी एंड ग्रेट पॉवर्टी. कहते हैं बहुत ही खास तरह की जगह है, एक्सेप्शनल, बहुत ही सुंदर सी जगह है, बट गरीबी बहुत ज्यादा. पॉवर्टी का मतलब गरीबी. नो वार लेस वेस्ट मलवई, मलवई भी कह सकते हो आप इसको. कहते हैं ना तो यहां पर किसी तरह की जंग हुई है, नॉर इज द लैंड यूजली क्राउडेड, ना ही ये बहुत ज्यादा क्राउडेड है, या फिर इनफर्टाइल. इनफर्टाइल का मतलब था बंजर. पर मलवेन स्टिल हैव ट्रबल फाइंडिंग इनफ टू ईट. दोबारा देखिए इसको, होपफुली आपने इसका मीनिंग सेम निकाला होगा. अगेन आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका मीनिंग निकालें पहले, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. नो वार, कहते हैं ना तो यहां पर कोई जंग हुई है किसी भी तरह का, क्योंकि आपने देखा होगा यूक्रेन रशिया में जो वॉर चल रहा है, वहां पर जंग की वजह से कितना ज्यादा बुरा चल रहा है. कहते हैं ना तो यहां पर किसी तरह का वॉर हुआ है, ना ही यहाँ पर बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी है, मतलब मिट्टी आना उपजाऊ नहीं है, बहुत ही जगह क्राउडेड नहीं है, बट फिर भी इनको इतनी दिक्कत क्यों आती है. हाउ द चिल्ड्रन अंडर 5 आर अंडर्फ्ड टू द पॉइंट ऑफ स्टंटिंग. कहते हैं कि उनकी जो ग्रोथ है वो खत्म हो चुकी है. हंगर ब्लाइट्स मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ मलवाइन लाइफ, सो कंट्री इज एज गुड एज प्लेस एज एनी टू इन्वेस्टिगेट हाउ न्यूट्रिशन अफेक्ट्स डेवलपमेंट एंड वाइस वर्सा. कहते हैं कि फिर हमें देखना पड़ेगा कारण क्या है, कि इतना जो उनके माल न्यूट्रिशन का कारण क्या है. कहते हैं ना तो कोई जंग हुई है, ना ही मिट्टी में कोई कमी है. ओके, तो पहले देखते हैं कि बच्चों की लर्निंग वगैरह की कोई बात नहीं हुई. सो स्कूल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, अटेंडेंस वगैरह हो गई, ये कितना आसान हो जाता है वंस यू अंडरस्टैंड दिस. स्टूडेंट की लर्निंग की कोई बात नहीं हुई, खाने पीने की बात हो रही है, ग्लोबल परस्पेक्टिव की कोई बात नहीं हुई, स्टूडेंट्स वर्ड का ही यूज नहीं आया, एकेडमिक आउटकम ये सारा कुछ खत्म हो गया, गर्ल्स की कोई बात नहीं हुई,
एंड इवन स्कूल अटेंडेंस, ये भी आपका चला गया, एकेडमिक स्टैंडर्ड, ये सारे पॉइंट्स आपके चले गए। दिस इज वेरी सिंपल, वंस यू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग, ये बहुत आसान हो जाता है। बिकमिंग द हेडमास्टर, नो, ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस, आपको एग्जैक्टली सॉल्व करने का यही मेथड है। ओके, हमारे पास क्या रह गया कि हाउ फूड प्रोग्राम इज ऑपरेटेड, फूड प्रोग्राम को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। नो, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज नॉट द आंसर, सॉरी। आपने ये देखिए कितने आसानी से इतने ऑप्शंस को गलत कर दिया, गलत आई मीन टू से कि उनको रिमूव कर दिया, गलत इज अ रॉन्ग वर्ड, इन दिस केस आई वुड से एलिमिनेट कर दिया। क्यों? बिकॉज यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, हमें पता है कि स्कूल के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि बच्चे माल इंटरेस्ट है, बच्चों के तौर पर चलो ठीक है, बच्चे इज नॉट इक्वल टू स्टूडेंट्स, बच्चे जो स्टूडेंट्स के इक्वल नहीं होते। एंड आंसर इज नन ऑफ द यूजुअल रीजंस, कहते हैं कि जो आम तौर पर रीजंस होते हैं, यूजुअल रीजंस, आम तौर पर देखिए कोई भी देश इतना गरीब क्यों होता है, जहां तो वहां की मिट्टी अनुपजाऊ होती है, जहां फिर वहां पर वॉर वगैरह हुआ होता है कि जंग चली थी जिसकी वजह से सारा देश खराब हो गया, वहां की मिट्टी अच्छी नहीं है। कहते हैं ना तो यहां पर किसी तरह की तबाही हुई है, ना ही किसी तरह की इनफर्टिलिटी है मिट्टी में। तो जो कारण आमतौर पर बताए जाते हैं कि किसी जगह के ना चलने का, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, कहते हैं कि जो आम रीजन है उसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द यूजुअल रीजंस, ना होना जो आम रीजंस होते हैं। होपफुली इसे आप समझ पा रहे हो कि क्यों मैं इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सो यू नीड टू एक्सेप्ट कि इतने लेवल का आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि हम इन चीजों की मीनिंग समझ सकें। ओके, मैं दोबारा फिर कोशिश कर रहा हूं कि आप इसका मीनिंग निकालें, पहले आप इसका मीनिंग निकालें और फिर आप मेरे मीनिंग के साथ मैच करें। द हेडमास्टर एट मस्के नहीं बनाच कुमांडा हैज स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन द सब्जेक्ट, हो सकता है काफी स्टूडेंट्स लगा दें बिकमिंग द हेडमास्टर, बट उन्होंने सिंपली ये कहा कि उसके काफी व्यूज हैं, तो वहां पर बनने की कोई बात नहीं हुई, बिकमिंग द हेडमास्टर ऑफ मस्के नहीं। ओके, जो उनको डोनेट करते हैं फ्री में देते हैं, सच एज द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रोवाइड द फूड दो सैक्स ऑफ ग्रेन मोस्टली मिक्स मेज एंड सोयाबीन फ्लोर एनरिच्ड विद विटामिन ए, कहते हैं कि पहले डोनर्स जो होते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। इन दैट कन्वर्टेड क्लासरूम्स, जो वो क्लासरूम जो इन्होंने कन्वर्ट किए हैं उसमें वो प्रोवाइड करते हैं, और बाद में क्या होता है लोकल वॉलंटियर्स वहां पर जो फ्री लोग करना चाहते हैं सेवा की भावना से आते हैं, डू द कुकिंग टर्निंग द ड्राई इंग्रीडियंट्स इन टू अ ब्लेंड बट न्यूट्रिशियस स्लॉप, कहते हैं कि उनको जो ड्राई इंग्रीडियंट्स जो होते हैं उनको ब्लेंड करते हैं और न्यूट्रिशियस स्लॉप में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा फूड क्वालिटी बनाते हैं उसको एक अच्छी जो हाई क्वालिटी फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड स्पूनिंग इट आउट ऑन द प्लास्टिक प्लेट्स, और बाद में वहां पर रख देते हैं। द चिल्ड्रन लाइन अप, वहां पर बच्चे आ जाते हैं चीयरफुली साइनिंग अ सॉन्ग सिंगिंग अ सॉन्ग कॉल्ड वी आर गेटिंग पोरिज, तो एक अच्छा सा सॉन्ग है वो बच्चे वहां पर गाते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं, हमारे पास हम वही ऑलरेडी नो, ये देखिए बहुत अच्छा टूल है कि आप उनको एलिमिनेट करें। कैसे एलिमिनेट करें? जो ऑप्शन आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, मेक श्योर यू एलिमिनेट देम। ओके, इस तरीके से आपको आगे चला गया। वाई बेटर फूड हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग, ओके मे बी दिस कुड बी एन ऑप्शन, बिकमिंग द हेडमास्टर ये हमें 100% पता है ये नहीं है, ग्लोबल परस्पेक्टिव नहीं है, बच्चे अंडर न्यूरिश्ड है नहीं, वहां पर तो खाना देने की बात हो रही है, बच्चों की स्कोरिंग वगैरह बड़ी है नहीं बड़ी है कोई चीज नहीं आ रही, एंड इनोवेटिव प्रोग्राम टू हेल्प गर्ल्स, गर्ल्स की कोई बात नहीं हुई है, हाउ फूड प्रोग्राम इज ऑपरेटेड, फूड प्रोग्राम को कैसे ऑपरेट किया जाता है। यहां पर देखिए उन्होंने कहा कि पहले डोनर्स आते हैं, फिर लोकल वॉलंटियर्स आते हैं, फिर बच्चे वहां पर आते हैं लाइन में लगकर, फिर वो सॉन्ग गाते हैं। हाउ फूड प्रोग्राम इज ऑपरेटेड, यहां पर ये ऑप्शन आ गया। हाउ फूड प्रोग्राम अफेक्ट्स स्कूल अटेंडेंस, अटेंडेंस की कोई बात नहीं हुई है। हाउ टू मेंटेन एकेडमिक की कोई बात नहीं हुई है। पहले हमने देखा था कि व्हाई बेटर फूड हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग, बेटर फूड, अभी तक बच्चों की लर्निंग के बारे में कोई बात नहीं हुई। एंड आफ्टर दैट हाउ फूड प्रोग्राम इज ऑपरेटेड, किस तरह से उसको ऑपरेट किया जाता है, दे आर मेंशनिंग द एग्जैक्ट स्टेप्स। सो होपफुली जो मेरा मोटिव ये था कि पहले आप इनको खुद पढ़ें और बाद में मेरी थिंकिंग के साथ मैच करें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इनका मेथड क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द क्राइटेरिया, थिंकिंग पैटर्न क्या है। बाकी ऑप्शंस मैं आपके लिए जहां पर देख रहा हूं, अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर आप कर सकते हो, मैं आंसर्स भी डाल दूंगा।
इन इवन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और मैं कोशिश करूंगा इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली. मेरी थिंकिंग और अपनी थिंकिंग, आप उन दोनों के डिफरेंस को एलिमिनेट कर सके ताकि आप मेरे अकॉर्डिंग सोच सके और उसी थिंकिंग से आपकी बहुत अच्छी स्कोरिंग आएगी. थैंक यू सो मच. होपफुली दिस लेक्चर वॉज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू एंड द नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 जून 2022. So make sure you don't miss this because इसमें आपको सारे tips और strategies वगैरह बताई जाएंगी and I will be explaining in the exact manner the way I'm mentioning now plus way more tips and strategies. Thank you so much. Please take care.